फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G के बारे में। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है आपको। देख सकते हैं लुक वाइज बहुत अच्छा फ़ोन देखने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ स्पेक्स के बारे में, फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी प्राइस करीब 31 से 32 हज़ार रुपये होने वाली है। और देख सकते हैं आप, फ्रंट और बैक से लुक वाइज बहुत अच्छा फ़ोन दिखने वाला है। इसके कुछ फीचर देख लेते हैं। ये 3G 4G 5G है और डेंसिटी 7300 पे काम करता है, जो कि अपटा कोर प्रोसेसर है। इसमें 12 GB की रैम है और 256 GB का इंटरनल मेमोरी है और 5000 mAh की बैटरी है, जो कि 80 वाट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसकी कैमरे क्वालिटी की बात करें कि इसका कैमरा बेस्ट होने वाला है। इसके कैमरे से आप 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसका सेल्फी देख सकते हैं। लुक वाइज बहुत अच्छा फ़ोन दिखने वाला है और इसको आप फ्रंट से, साइड से और टॉप और बैक व्यू सबको ही देख सकते हैं। चलो, देख सकते हैं कि साइड से आपको फ़ोन ऐसा दिखने वाला है और आप इसमें देख सकते हैं नीचे ऐसा फ़ोन दिखने वाला है और साइड से ऐसा फ़ोन दिखने वाला है। नॉइस कैंसलेशन है इसमें और डुअल स्पीकर है, जो कि एक नीचे देखने को मिलेगा और एक ऊपर आपको देखने मिलेगा। इसमें देख रहे सिम ट्रे है जो नीचे है। इसमें आप 2 SIM या एक SD कार्ड, 2 SIM यूज कर सकते हैं या फिर 1 SIM और एक SD कार्ड यूज कर सकते हैं। इसमें एक केस दिया गया है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ गाइड बुक हैं और आप देखते हैं कि इसमें चार्जिंग है दिया गया है, जो कि चार्जर है 80 वाट का। अडैप्टर भी है और केबल भी है। इसका अगर वेट करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 182 ग्राम का है, जो कि लाइट वेट है। इसका आप स्क्रीन देखेंगे कि इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत आपको मिजलस देखने को मिलेगा। और वैसे भी पंच होल डिस्प्ले है, तो इसके कारण से फ़ोन का लुक बहुत अच्छा दिखने वाला है। अगर इसमें आप स्क्रीन की बात करें तो ये 6.7 की AMOLED डिस्प्ले है और इसका जो रिफ्रेश रेट है 120Hz का रिफ्रेश रेट है। और जो इसमें प्रोसेसर है डेंसिटी 7300 का है। ये देख सकते हैं ये फ़ोन अच्छा स्कोर कर रहा है और 5000 mAh की बैटरी है और इसके फ़ोन के अंदर 80 वाट का चार्जर है। और कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और इसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा बैक कैमरा होने वाला है। और सेल्फी कैमरा 2 वेरिएंट में आता है, एक वेरिएंट में 32 मेगापिक्सल का, दूसरे में 50 मेगापिक्सल का है। इसमें डुअल स्पीकर है तो आप अच्छा लाउड म्यूजिक सुन सकते हैं, जो कि डॉल्बी साउंड दिया गया है। इसमें कैमरे की बात करें तो कैमरे क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, इसके और स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो इस एंड्रॉयड 14 पे काम करता है और इन डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले है इसमें अंदर और फिंगरप्रिंट सेंसर है इन डिस्प्ले। जो एमोलेड स्क्रीन है 6.7 इंच का है, जो कि 1200 nit ब्राइटनेस देती है, जिससे आप इंडोर आउटडोर पे फ़ोन को अच्छे से यूज कर पाएंगे। जिसमें कैमरा होने वाला है 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 4K और 60 FPS तक का अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रंट का 32 मेगापिक्सल का होने वाला है। ये फ़ोन 4G 5G या वोल्टी होने वाला है। इसमें जो ब्लूटूथ दिया गया है वो 5.4 का सपोर्ट करेगा। वाईफाई NFC है, IR ब्लास्टर है और रिवर्स चार्जिंग भी दी गई है। 80 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है।
इसमें आपको FM रेडियो और 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा। ये तीन कलर में आता है। और इसका डायमेंशन भी आप देख सकते हैं। इसका टच सैंपलिंग रेट जो है वो 240 है। इसमें स्टोरेज टाइप जो दिया गया है UFS 3.1 दिया गया है, जिससे आपको रीड राइट दोनों अच्छी मिलेगी। इसमें बहुत सारे 5G बैंड दिए गए हैं, जिससे आपको अच्छा कनेक्टिविटी मिलेगी। इसमें 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया है और इसमें वाटर रेजिस्टेंस है और डस्ट रेजिस्टेंस दोनों हैं। इसमें इसका जो पीछे है LPDDR5X रैम दिया गया है। इसमें आप फ्रंट कैमरे से भी 4K की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि 60 FPS की होगी। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को